हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकशाला 7। आज हम बनाएंगे क्रिसमस के लिए प्लम केक। एक बाउल में दो ऑरेंजेस का जूस ले लिया है मैंने, और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे नट्स जैसे कि कैश्यूज, आलमंड्स, ब्राउन रेजिन, ब्लैक रेजिन, रेड एंड ग्रीन टूटी फ्रूटी और येलो और रेड। इसमें जेली कैंडी डाल दी है मैंने। आप इसमें और भी नट्स ऐड कर सकते हैं क्रिसमस के केक में, जितना चाहें आप नट यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम एक घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे ताकि सभी नट्स अच्छे से ऑरेंज जूस को एब्जॉर्ब कर लें। और एक पैन में मैंने 2/3 शुगर ले ली है और इसे हम कैरमलाइज करेंगे। इसे आप लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना रखें। शुगर जो है जल सकती है और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, इसका कड़वापन आ जाता है इसमें कैरमलाइज होने के बाद। तो जब इस तरीके से शुगर ब्राउन हो जाए तो इसमें धीरे धीरे करके 2/3 कप वाटर ऐड करें और इसको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक और पका लें। ये कैरमलाइज शुगर भी बन के तैयार है, इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और जिस बर्तन में हम केक को बेक करेंगे उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। और एक बाउल में 1/4 कप मिल्क ले लिया है मैंने और 1/4 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल की जगह आप बटर और घी भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस ले लिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब एक छन्नी में हम 1 कप मैदा ले लेंगे, 1 टीस्पून कोको पाउडर ले लिया है और 1/2 टीस्पून इलायची, लौंग और दालचीनी का पाउडर बना के ले लिया है मैंने। इसे आप ज़रूर ऐड करें क्रिसमस के केक में, इससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। और मार्केट में जो हमें क्रिसमस का नट्स केक, प्लम केक मिलता है उसमें ये ऑलरेडी एडेड होता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अभी पेस्ट थोड़ा सा थिक है तो इसमें कैरमलाइज शुगर ऐड कर देंगे और पेस्ट की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से पेस्ट की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और लास्ट में इसमें हम ऑरेंज जूस जो नट्स के साथ हमने सोक करने के लिए छोड़े थे उसे भी ऐड कर देंगे। और इसमें हम अब ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। इसे भी छान लें। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद इसमें हम एक्टिवेशन के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हल्के हाथ से इसे इस तरीके से मिला लें और तुरंत ही इसे केक टिन में बेक करने के लिए हम ट्रांसफ़र कर देंगे। केक टिन को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल और मैदे के साथ और नीचे मैंने बटर पेपर लगाया है। आप चाहे तो इसकी साइड्स पे भी बटर पेपर लगा सकते हैं। और ये कुछ नट्स के साथ मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ, पर इसे आप अभी डेकोरेट ना करें, बेक होने के बाद ये सारे नट्स अंदर चले जाते हैं। जब केक को बेक हुए 1/2 घंटे हो जाएं उसके बाद ही इसे उठा के डेकोरेट करें, उससे पहले केक को ना उठाएं, केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि नट्स कैसे अंदर चले गए। तो 1/2 घंटे बाद मैंने इन्हें दोबारा से डेकोरेट कर लिया था और केक बन के रेडी है। टूथपिक की हेल्प से चेक कर ले, अगर ये क्लीन निकल रहा है तो केक तैयार हो चुका है। और टोटल मुझे इसे 45 मिनट्स लगे हैं केक बेक करने के लिए। इस तरीके से चाकू की हेल्प से केक्स के कॉर्नर्स क्लीन कर लें, बटर पेपर को भी निकाल देती हूँ। बहुत ही स्पंजी और टेस्टी केक बन के रेडी होता है। ये देखिए, मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ। क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स, आप भी क्रिसमस का प्लम केक बनाएं और सभी को खिलाएं। एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।